हाँ तो भाई, जैसे कि आपको पता है कि 27 तारीख से फ्लिपकार्ट की बिग ब्लेंडर सेल स्टार्ट हो जाएगी, बट उससे पहले पोको के फोन से जो डील्स है उसे रिवील किया जा चुका है। और इसमें भाई एक स्मार्टफोन है पोको X6 5G, जिसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। हाँ भाई, इस सेल के दौरान मतलब आज से इसकी डील लाइव हो चुकी है, आप स्मार्टफोन को 15,000 में बाई कर सकते हो। 22,000 में ये फोन लॉन्च हुआ था, मैंने इसे 20,000 में बाई किया और आप इस स्मार्टफोन को 15,000 में बाई कर सकते हो। मतलब भाई मेरा 5,000 का चूना लग गया, बट भाई आपका चूना नहीं लगेगा। तो भाई क्या आपको 15,000 में स्मार्टफोन को बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, फोन कैसा देखने को मिलता है, हीटिंग इशू, कैमरा डेड इशू, डिस्प्ले डिजाइन, प्रोसेसर, मतलब सब कुछ कैसा देखने को मिलता है, वीडियो लास्ट तक देखा आपको डिटेल्स एकदम पता चल जाएगा। और देखिए, इसका जो रिव्यू मैं आपको लेटेस्ट अपडेट यानी हाइपर ओएस 1.0.11.0 के बाद दे रहा हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो भाई देखिए, डब्बे हमें सब कुछ देखने को मिलता है, मेन फोन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें जो है अच्छा वाला टीवी केस देखने को मिल जाता है, 67 वाट का चार्जर, टाइप ए टू टाइप सी केबल, और यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर पिन जो पुस्तिकाएं होती है, और यहाँ पे भी फ्रंट में जो पतली पन्नी लगी हुई देखने को मिल जाता है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जो यहाँ पे पतली पन्नी लगी हुई आती है, तो अगर हम इसके ऊपर जो भी मतलब वो स्क्रीन कार्ड लगवाते हैं तो ये पतली पन्नी को निकालना चाहिए? तो हाँ भाई, निकालना चाहिए। तो खाली क्या होता है, थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए होता है कि डिस्प्ले में कोई इशू ना आ जाए, तो इसके लिए भाई यहाँ पे दिया जाता है। बट भाई आपको इसे जरूर निकलवा देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ग्लास लगवाना है, ठीक है? तो मतलब आप जैसे फोन लाते हो तुरंत आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं। हालांकि बात करें ये जो कवर है, ये मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से 200 रुपये में परचेस किया है, कवर बढ़िया है। तो आप चाहो तो ऑनलाइन के बदले आप ऑफलाइन में इसे बैटर कवर ले सकते हो, बस आपको जाके बोलना है कि रेडमी नोट 12 प्रो का कवर दो, हाँ इसमें लग जाता है। तो हम इसे रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे प्लास्टिक के साथ में बैक पैनल देखने को मिलता है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिलता है, बॉक्स टाइप का डिजाइन लैंग्वेज फॉलो किया गया। और देखिए, प्लास्टिक के साथ में होने के लिए इसमें कुछ फायदे भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोन ज़्यादा भारी हमें देखने को नहीं मिलता, हाँ अगर ग्लास बैक होता तो भारी होता, बट भाई हमें भारी कम देखने को मिलता है 51 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी। और देखिए यहाँ पे जो है जैसे ग्लास नहीं तो इसमें स्क्रेच तो आ जाता है, बट भाई जल्दी टूटता नहीं है। हाँ, ग्लास अगर गिरेगा तो जल्दी टूट जाएगा, बट प्लास्टिक है इसके लिए जल्दी टूटता नहीं है। यहाँ पे हमें ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, हालांकि मैंने यहाँ पे मैट फिनिशिंग का जो लेमिनेशन करा दिया, इससे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो आप यहाँ पे मैट तरह की लेमिनेशन करा सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं। हाँ, जो बड़ा बड़ा कैमरा है आपको थोड़े दिन तक ऑकवर्ड लगेगा, बट धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन बढ़िया देखने को मिल जाता है। बात करें फ्रंट के बारे में, तो भाई चुम्बेश्वरी डिस्प्ले देखने को मिलता है, अंडर 20,000 के हिसाब से बेस्ट डिस्प्ले मैं आपको कह रहा था, बट भाई 15,000 में तो चार चांद लग जाते हैं। यहाँ पे हमें 6.67 इंच के 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में 120Hz यहाँ पे हमें फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, सेंटर में पंच होल कैमरा, कटोनस HDR10 का सपोर्ट और Wide 1 L1 सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। अगर आप मीडिया कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हो, मेरी तरह मूवी सीरीज बहुत ज़्यादा देखते हो, तो भाई आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके जो साइड के बेजल्स होते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अभी हमें YouTube में HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, हाँ लेटेस्ट अपडेट के बाद ही, तो आपको ध्यान रखना है। और हमें नेटफ्लिक्स में जो डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, तो भाई वहाँ पे आपको मजा ही आ जाएगा। तो ओवरऑल भाई डिस्प्ले 15,000 के हिसाब से बहुत ही तगड़ी, शानदार और धमाकेदार देखने को मिल जाता है। बात करके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 12 5G प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप और LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिल जाता है। रफली 6 लाख के आसपास Antutu बेंचमार्क देखने को मिलता है। और देखिए सीधा अगर मैं क्लियर आंसर अगर आपको देना चाहूँ, तो अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब डेली टू डेली यूज करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, तो आपको उस चेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट जहां पे अगर आप BGMI खेलना स्टार्ट कर देते हो तो ये फोन गर्म हो जाता है। हाँ, इसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, 40-45-50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। आप 1 घंटे गेमिंग खेलोगे तब पर भी। तो अगर आप एक प्रॉपर गेमर हो तो उस सिनेरियो में तो आपको फोन बाय नहीं करना है। बट अगर आप कैजुअल सी दिन भर में आधा घंटा खेल लेते हो, फिर रात में रात को आधा घंटा खेल लेते हो, तो सिनेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर आप एक प्रॉपर गेमर हो तो सिनेरियो में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फोन ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बट अगर आप डेली टू डेली टास्क में यूज करते हो, जो फेसबुक इंस्टाग्राम करना हुआ, चैटिंग करना हुआ, मूवीज देखना हुआ, यूट्यूब पे वीडियोस रील वील देखना हुआ, तो सिनेरियो में तो भाई इसमें आपको कोई भी तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। अगर कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक में 64MP का ट्रिपल कैमरा, 64MP का मेन कैमरा, जहाँ पे OIS देखने को मिलता है, ओमनीविजन का सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2MP का बहुत ही महत्वपूर्ण डेप्थ सेंसर, फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। फोटोज की क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हो बढ़िया फोटोज देखने को मिलता है, इसमें फोटोज में अच्छी खासी डिटेल्स देखने को मिलता है और फोटो को बहुत ज़्यादा रियल रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चटक मटक कर दिया जाए, पंची कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसा फोटोज में रियल रहता है वैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करें वीडियो क्वालिटी की, तो जैसे कि आप देख रहे हो बैक में 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और फोटोज की क्वालिटी पे हमें बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलता है। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। फोटोज क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हो फ्रंट के हिसाब से भी, जिस हिसाब से हम प्राइस रेंज पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हो, उस हिसाब से हमें फ्रंट में फोटोज की क्वालिटी भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर आप जूम करते हो तो थोड़ा कुछ फोटो फट जाता है, बट उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर आप दूर से देखते हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। फ्रंट में 1080p में 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। हाँ तो भाई, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये फ्रंट कैमरा शूटर है 1080p 30fps, और ये जूम बहुत ज़्यादा कर दे रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। तो अगर आप फ्रंट से वीडियो बनाने सोच रहे हो
तो थोड़ा आपको इशू आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो मैंने कितना दूर यहाँ से रखा हुआ है, तब पर भी कितना ज़्यादा क्रॉप कर दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये देखिए उसको, इसको भी क्रॉप कर दिया है। तो दूर रखने में थोड़ा इसका अजीब लगेगा आपको, बट ठीक ठाक है, और क्वालिटी बढ़िया देखने को मिल जाता है। या देख रहे हो, हाँ अभी भी ये जो है थोड़ा सा आपने सैंडल नहीं कर पाता है फ्रंट से, तो ये थोड़ा आपको इशू लगेगा, बट ओवरऑल क्वालिटी तो हमें बढ़िया। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे, ये देखिए और एक्सपोजर ज़्यादा हो जा रहा है, ये अभी भी मेंटेन नहीं, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा ये एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। देखिए लेटेस्ट अपडेट के बाद में अगर आपको डिटेल एक कैमरा रिव्यू चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका डिटेल कैमरा रिव्यू किया हुआ है, अगर आपको देखना है आई बटन जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट आफ्टर लेटेस्ट अपडेट, हाँ जो इस टाइम पे 1.0.11.0 अपडेट आया, तो उसके बाद में अगर आपको एक डिटेल कैमरा रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक डिटेल से कैमरा रिव्यू आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और ओवरऑल बात की जाए तो अगर आपकी एक मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो भाई उस सिनेरियो में थोड़ा डगमगा सकता है, बट आप चाहो तो चलिए मैं कभी कभार फोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ, कभी कभी वीडियोस ले लेता हूँ, तो सिनेरियो में तो भाई आपका हर जगह काम निकाल देगा, कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। बैटरी और चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे 5100mAh की बैटरी देखने को मिलता है, 67W का चार्जर देखने को मिलता है, रफली आप समझ सकते हो 50 मिनट के आसपास में फोन फुल चार्ज हो जाता है। और सिंपल से सीधे बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो आपको एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, एक नॉर्मल यूज़र हो तो एक दिन में आपका चार्जिंग में निकल जाएगा, सुबह चार्ज कीजिएगा, रात को 10-11 बजे के आसपास चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप एक हैवी हो तो आपको एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। आप हाँ समझ सकते हो 1.5 की डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, प्लस यूआई उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो भाई आपको चार्ज करने पड़ेगा। बट ये बहुत अच्छी बात है कि चार्जर इसमें जो 67W का है तो आपको चार्जिंग में उतना टाइम का पता नहीं चलेगा। दिन भर में मैं हैवी यूजर हूँ तो भाई मुझे दिन भर में 2 बार चार्ज करना पड़ जाता है, बट क्या होता है फास्ट चार्जर होता है तो इतनी जल्दी मुझे वो ज़्यादा खटकता नहीं, क्योंकि भाई ऐसे 1-2 घंटा लग गया तो खटकने लगेगा, बट 40-45 मिनट लगता है वो भी 0 से लेकर 100% तक, तो ज़्यादा खटकता नहीं, तो सिनेरियो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूआई की बात करें तो इस टाइम पे करंटली एंड्रॉइड 14 के साथ में हाइपर ओएस देखने को मिल जाता है। हाँ जब फोन लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉइड 13 के साथ में होता, 3+4 के साथ में, बट अभी जो 2+3 यानी 2 साल का ओएस का अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट बचा हुआ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। आपके मन में आ रहा है कि कहीं कैमरा डेड तो नहीं हो रहा है, ग्रीन लाइन इशू तो नहीं आ रहा है, मदरबोर्ड डेड तो नहीं हो रहा है, हाल फिलहाल में पिछले 9 महीने, हालांकि 9 महीना अजीब लग रहा है बट कोई बात नहीं, 9 महीना तो हो ही गया है फोन को यूज करते हुए, तो उस सिनेरियो में भाई कोई इशू नहीं आया। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगी अगर आप फोन कोई भी कंपनी, चाहे पोको का हो या फिर कोई भी कंपनी का फोन लाते हो, तो उसे जो ऑटो अपडेट नहीं करना है, जो भी सेटिंग होती है उसे तुरंत बंद कर देना, और आपको आते ही तुरंत अपडेट नहीं करना है। फर्स्ट बोल क्या करना है, यूट्यूब पे जाना या फिर ट्विटर जो आप एक्स बन चुका है वहां पे जाकर रिव्यूज पढ़ लेना है, रिव्यूज पता कर लेना है कि लेटेस्ट अपडेट के बाद में कोई इशू तो नहीं है, तब आप अपडेट कीजिएगा, आपको तुरंत इसमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और हाइपर ओएस पहले MIUI आता था, उसका नाम चेंज करके हाइपर ओएस कर दिया गया, कोई इसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को नहीं मिलता, हालांकि जो आइकन पैक है वो थोड़ा पुराने लगते हैं। हाँ जो अभी ट्विटर यानी एक्स का आइकन देख रहे हो अभी पुराने जमाने वाला ही देखने को मिलता है, ट्रू कलर का भी आइकन अभी तक उन्होंने चेंज ही नहीं किया, हालांकि थीम स्टोर से जाकर आप इसे यहाँ पे बदल सकते हो। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो देखने को मिलता है, बट वही 10 सेकंड वाला जो है वही हमें देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन हमेशा ऑलवेज नहीं रहता, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। और ओवरऑल UI ठीक ठाक है, फीचर इज ऐप लॉक हुआ, ऐप हाइड करना हुआ, फोटोज वीडियो हाइड करना हुआ, मतलब हमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर सेंसर के बारे में, तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, यहाँ पे सेंसर की क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी और शानदार देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे हमें जो डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है, हाँ कोई भी इसमें माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता, बट टेंशन मत लीजिए 8GB रोम 256GB स्टोरेज में बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, तो आपको उसमें मेमोरी की ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3.5 इंच वाला गड्ढा देखने को मिलता है, यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलता है, IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, और नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिल जाता है। तो जो भी होता है मतलब यहाँ पे सब कुछ कूट कूट के भर दिया है, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। और भाई जो वाइब्रेशन मोटर यूज किया गया वो टकटक वाला यूज किया गया, मतलब मजा आ जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी और आपको लगेगा भाई कोई 15,000 का स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ, मतलब अंडर 20,000 के हिसाब से बात करें तो मुझे इसमें वन ऑफ द बेस्ट वाला वाइब्रेशन मोटर लगा। बहुत लोग में वो होता है पुराने जमाने वाले आता है कि भाई टकटक वाली फीलिंग आती है, जो हमें थोड़ा फ्लैगशिप या फिर फ्लैगशिप पिलर वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, तो वाइब्रेशन मोटर का यहाँ पे यूज किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार देखने को मिलता है। हालांकि इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, हालांकि मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसे यहाँ पे वॉइस की क्वालिटी देखने को मिलती है, सुन लीजिए आवाज़ कैसे देखने को मिलती है। तो ओवरऑल भाई हमें स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, हालांकि देखिए यहाँ पे हमें MIUI वाला डायलर देखने को मिलता है, जिससे आप सामने वाले बंदे की चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे वो भी तकलीफ नहीं होगा कि भाई गूगल डायलर है सामने वाली दीदी का आवाज़ चली जाती, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, सिंपल से यहाँ पे आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 20,000 के हिसाब से फोन बढ़िया लग रहा था, बट आप जो ये सेल के दोनों आप इसे 15,000 में बाय कर सकते हो, करंटली इसकी सेल स्टार्ट हो चुकी है, डायरेक्ट आप जाते हो फ्लिपकार्ट पे, 8GB रैम 256GB स्टोरेज साथ में, इसकी प्राइसिंग आपको 16,000 देखने को मिलेगा, HDFC के क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा, 1000
रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे इफेक्टली जो इसकी प्राइसिंग आपको 15,000 रुपये देखने को मिल जाता है। और भाई 15,000 के हिसाब से मेरे हिसाब से 100% रिकमेंडेड है। हाँ भाई सिंपल से अगर आपका बजट 15,000 रुपये बिंदास होकर बाई कर सकते हो भाई। इसकी डिस्प्ले एकदम चुम्मेश्वरी देखने को मिल जाता है, मजा ही आ जाएगा। वो वाइब्रेशन मोटर की जो फीलिंग वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। प्रोसेसर भी इससे अच्छा प्रोसेसर आता है व्यू T3 IQ Z9, जिसमें इससे बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो आप वाला फोन भी देख सकते हो, बट भाई 15,000 के हिसाब से एक ऑलराउंडर तगड़ा हमें फोन देखने को मिल जाता है। तो चलिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।